नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी लोक का उत्तरदायित्व भगवान शिव पर होता है। इन 4 महीनों में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखने और विधि विधान पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को असीमित शुभ लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और सारी मनोकामनाओं पूर्ति करने के लिए भक्तों को इनकी पूजा के इन पूजन सामग्रियों की समाहित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर होती है। उनके सभी पापों का नाश होता है। घर में सुख शांति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत से मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को पा जाता है। अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी पर हमें पूजन सामग्री में क्या क्या सामान इकट्ठा करना होता है। श्री विष्णु जी का चंदन, मिष्ठान, पुष्प, सुपारी, लौंग, दीप, अक्षत, नारियल, पंचामृत, तुलसी दल, घी, फल और धूप, इन सभी सामग्रियों को हम एकत्रित करके हमें पूजा करनी चाहिए विष्णु भगवान की। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।